पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फोर्सेज की कार्रवाई, तमाम सात दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की गई। पाक फौज ने सात दहशतगर्दों के ग्रुप का सुराग लगाया। शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से सरहद पर मौसर मैनेजमेंट का मुतालबा करता रहा है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। निजी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी मामले की मुकम्मल छानबीन करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू का कहा था। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा की हिदायत पर पाक फौज ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। खलीज से आए बादलों की खौफनाक घनगरज, बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। गवादर, पसनी, खुसदार, चागी, खारान और कल्ला डूब गए। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मुतादित कच्चे मकान गिर गए। मकरान डिवीजन में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पहाड़ों से आए रैलों मजीद तबाही ले आए। गवादर में स्कूल बंद, पशीन में हमीदाबाद का हिफाजती बंद रैले में बह गया। डब खान जय का पुल भी तबाह हो गया। बोरनाला में तुगयानी के बाद पानी नोशकी में दाखिल। यूनियन काउंसिल ढाक और अनाम बोस्तान का शहर से राबता कट गया। दोनों मुतासरा देहातों में अशाय खुरनोश की शदीद किल्लत, फसलें तबाह, हमवार जमीन भी मुतासर हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। लोगों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकली। तगड़ा सिस्टम KP सिंध और पंजाब में बरसने को तैयार। कराची में आज से 21 अप्रैल तक तेज बारिशों का इम्कान। पंजाब में भी 21 अप्रैल तक तेज बारिशों की पेश गोई। बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों से पानी निकाल दिया गया, जिंदगी लौट आई। दो दिन की बारिश से मेट्रो स्टेशन, मॉल्स और घर डूब गए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा रहा। स्कूल और कॉलेजेस जुमे तक बंद। रासुल खैमा में 70 साल शख्स गाड़ी पानी में पहचाने की वजह से जा बहक। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। पाकिस्तान आने और जाने वाली परवाजें भी मुतासर। रनवे पर पानी खड़ा होने से मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। परवाजें मुतासर होने से सैकड़ों मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद। सऊदी सरमायाकारी मनसूबों में तखीर नाकाबले बर्दाश्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वफ्द पाकिस्तानी हुकाम की तैयारी से मुतासर हुआ। पूरी मेहनत से सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं, ना ही उसकी इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म के तमाम वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को भी वार्निंग। कहा, सऊदी सरमायाकारी मनसूबों के किसी भी मरहले में नाकिस कारकर्दगी और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। काबीना इजलास में 9 निकाती एजेंडा मंजूर। वजीर आजम ने कहा, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। शेर अफसल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से ऐलान लातालुकी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफसल मरवत के ख्यालात हकाइक के मुनाफी हैं। PTI इस बयान से मुकम्मल इजहार लातालुकी करती है। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सऊदी अरब को इंतहाई कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी PTI का सऊदी अरब से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफसल मरवत का मौकफ उनकी जाती राय है, जिसे PTI की क्यादत और कारकुनान की तायद हासिल नहीं है। शेर अफसल मरवत ने TV प्रोग्राम में कहा था, रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस था। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील का कहना है, PTI के बयान से लातालुकी मुज़ाहिका खेज है। तहरीक इंसाफ ने सोच समझ कर शेर अफसल मरवत से ये बयान दिलवाया।
मुसाफा केस में वजारत खारजा के बजाय वजारत दाखिला मुदई क्यों थी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा, आगे चलकर इससे मुतालिक अदालत की मुआवनत करूंगा। मानी PTI शाम महमूद कुरैशी और आजम खान की गुफ्तगू सामने आई। साइफर से खेलने का तज़किरा है। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ समेत मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सुफरा को दावतनामे अरसाल। जावेद लतीफ और राना सनाउल्ला को मीडिया पर पार्टी फैसलों से इख्तलाफ ना करने का मशवरा। वजीर इत्तला अतातारत कहते हैं, दोनों से गुजारिश है कैमरों के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें, कैमरे के पीछे इख्तलाफ राय करें, अपनी बात करने का बेहतरीन तरीका यही है। सब्ज और साफ सुथरा पंजाब। वजीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हिदायत दी, 3 माह में लाहौर की गलियों और बाजारों की तामीर बहाली की जाए। स्ट्रीट लाइट्स और निकासी आपके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएं। मरियम नवाज ने कहा, अरसा दराज से नजरअंदाज सड़कों की तामीर की जाए, तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ। मराकज से सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए स्काई विंग्स एविएशन की खदमात भी हासिल कर ली। वजीर आला पंजाब से मुख्तलिफ असला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब ने उकाड़ा में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती का नोटिस लिया। IG से रिपोर्ट भी तलब की। बिजली के बिलों में करोड़ों का फ्रॉड, गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। गुजरावाला में FIA का एक्शन, पकड़े जाने वालों में ग्रेड 16 और 17 के अफसरान शामिल। मुलजमान बिजली के बिल्स जालसाजी करके सिस्टम में जमा होना डाल देते थे, सारिफिन के पैसे हड़प कर जाते थे। बैंक से तहकीकात की तो पद मामला खुल गया। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजमान ने जालसाजी करके खजाने को 105 मिलियन का नुकसान पहुँचाया। FIA के एक्शन पर गैपको का भी रिएक्शन। FIA गुजरावाला दफातर की बिजली काट दी। कहा, FIA के गैपको के जिम्मे 88 लाख वाजिब अदा हैं। लेस्को का भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, 24 घंटे में 8 मुलजिमान गिरफ्तार। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत, मजीद 9 गवाहों के बयान कलम बंद, 13 पर जुरा मुकम्मल, समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मजीद 6 गवाहान तलब। उषा बीबी ने तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त भी दे दी। अदालत का दोपहर 12 बजे डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। बैरिस्टर गोहर ने कहा, कमरा अदालत में नई दीवारें और शीशे लगा दिए गए हैं। कहा गया था ये ओपन ट्रायल है, दीवारें खड़ी करके आइन के खिलाफ वर्जी की गई, ये ट्रायल गैर कानूनी है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। इदारों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं, वजारत दाखिला ने हाथ खड़े कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। कहा, प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, इसलिए एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के माहदे का शराकत दार। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकाइक के मुनाफी है। सिंध हाई कोर्ट का PTA को एक्स की बंदिश की माकूल वजह बताने का हुक्म, जवाब जमा कराने की हिदायत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, मेरा एक्स तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल तक तो इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पर बरहम। कहा, हमें शर्मिंदगी होती है, हम ऑर्डर करते हैं उस पर अमल नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक्स के केस में फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। वर्ल्ड बैंक
की पाकिस्तान के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम की हिमायत, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात, दौरे पाकिस्तान की दावत दी, तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात, वजीर खजाना की MDIMF से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा टैक्स नेट वसी करने और निजकारी शोबे को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। वजीर खजाना की अमाराती वजीर मुमलिकत बराए मालियाती अमूर से भी मुलाकात, तरजीही शोबों में की जाने वाली असलाहत पर आगाह किया। कराची में मबैगना पुलिस अहलकार की डकैती, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को अकेले दुकान लूटते देखा जा सकता है। मलीर जाफर तगारा सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग, राहगीर खातून जान से गई, शहरियों ने डकैत को भी मार दिया। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जख्मी भी हुआ। दरख्शां थाने में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलव्वस साबिक SHO और हेड मुहर्रर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची में डकैतों के खिलाफ जमात इस्लामी इन एक्शन, शहर में SSP ऑफिसेस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, 20 अप्रैल को ऑफिसेस का घेराव किया जाएगा। गवर्नर सिंध का IG को अमन अमान पर खत लिखने का ऐलान। कामरान टेसोरी कहते हैं वजीर आला या वजीर दाखला कोई भी हो, कौन चाहेगा क्राइम बढ़े, एक दूसरे पर ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। FIA साइबर क्राइम की PTI रहनुमा आजम सवाती से 11 घंटे तक तफ्तीश। मुतनाज़ा ट्वीट पर तहकीकात के लिए आजम सवाती पेश हुए। आजम सवाती सुबह 11:30 बजे वकला के साथ पेश हुए थे। सस्ती रोटी ना बेचने वालों की शामत, लाहौर में एक्शन पर एक्शन। जिले इंतजामिया ने 45 नान भाई गिरफ्तार कर लिए, 122 मुकदमा दर्ज, 4 लाख से ज्यादा जुर्माने। लाहौर के कई मारूफ रेस्टोरेंट्स भी सील, फूड स्ट्रीट पर भी महंगी रोटी बेचने पर कार्रवाई। परवेज इलाही का बाकायदा इलाज जारी रखने का हुक्म, कैसरा इलाही की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। परवेज इलाही को अस्पताल या अडियाला से दूसरी जगह बगैर इजाजत मुंतकिल करने से रोक दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से 19 अप्रैल तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बिगड़े रईस जादे की कार ड्रिफ्टिंग, खयाबान बुखारी की नई तामीर शुदा सड़क पर खौफनाक अंदाज में कार चलाई, नई रोड की ज़ेब्रा क्रॉसिंग तबाह कर दी, फुटपाथ भी तोड़ दिया। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने मंसूले को हवालात में बंद कर दिया, मुकदमा दर्ज, सड़क की मरम्मत का खर्चा भी कार सवार से लिया जाएगा। करतारपुर में वैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज, यात्रियों का शानदार इस्तकबाल, बेहतरीन खाने से तवाजो, 2400 से जायद सिख यात्री पहुंचे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज करतारपुर जाएंगी, सिख यात्रियों का इस्तकबाल करेंगी, गंदम की फसल काटकर बाकायदा वैसाखी की तकरीबात का आगाज करेंगी। खबरदार होशियार, माल रोड लाहौर पर हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद, खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। सिंध काबीना में शामिल 8 वजरा ने हल्फ उठा लिया, गवादर हाउस में तकरीब हुई, कामरान टेसोरी ने नए वजरा से हल्फ लिया। लाहौर में केमिस्ट्री और अंग्रेजी के इंटर के पर्चे मुलतवी, जिमनी इलेक्शन के बायस इंटर पर्चे मुलतवी किए गए। केमिस्ट्री का इम्तिहान 20 अप्रैल के बजाय 23 मई को होगा, अंग्रेजी मजमून का पर्चा 22 अप्रैल के बजाय 25 मई को लिया जाएगा। उम्मीदवार नई रोल नंबर स्लिप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ईरान में आर्मी डे पर बड़ी फौजी परेड, जदीद ड्रोन्स और मिसाइल्स की नुमाइश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा हमने इसराइल के नाकाबिले तफ्तीश हिसार को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच आज,
पिंडी स्टेडियम में। दोनों टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। बाबर आजम की क्यादत में टीम ग्राउंड में उतरेगी। बाबर आजम कहते हैं अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। पाक वेस्ट इंडीज वीमेन टीमों की मुसलसल तीसरे रोज प्रैक्टिस, दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। वनडे सीरीज का आगाज आज होगा। कप्तान निदा डार बोली सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।